हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो इसकी ऑपेसिटी कम रख के अगर वन क्लिक में, वन शॉट में, अगर जितनी बार भी ब्रश को हम आगे पीछे बैक एंड फोर्थ उसी पे फेरेंगे तो उसका कलर जो है चेंज नहीं होगा। हाँ, बस उसी स्ट्रेंथ में वो फिल होता रहेगा या उसी स्ट्रेंथ में वो रिमूव होता रहेगा, सही है। लेकिन अगर आपने क्लिक छोड़ा और फिर से आपने क्लिक किया उसी कलर के ऊपर, हाँ अलग से करेंगे तो सेम कलर देगा, लेकिन अगर आप उसी कलर के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो उस कलर के अंदर उसकी डेंसिटी को ऐड कर देगा। ये देखिए, तो आप नोट करें उस कलर पे तो ये ब्लू कलर देगा, लेकिन जब मैं व्हाइट पे जाऊंगा बिल्कुल लाइट कलर देगा। तो जितनी बार छोड़ के क्लिक करके करते रहेंगे उतनी बार उसकी डेंसिटी को बढ़ाता रहेगा, और अगर रिमूव कर रहे हैं तो उतनी बार ही उसको ज्यादा क्लीन करता रहेगा। ये बात समझ में आ गई, ऑपेसिटी। ओके, अब आ गए हम इस पर, और ये देखिए, वन टाइम में क्लीन हुआ, टू टाइम में क्लीन हुआ, थ्री टाइम में क्लीन हुआ, फोर टाइम में क्लीन हुआ। अब मैं एक ही टाइम में करना चाह रहा था तो ऑपेसिटी को बढ़ा के मैं क्या कर देता, 100%। और ये समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई, या इसमें रहा हुआ सिलसिला आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं फ्लो रेट क्या होता है, ठीक है। अब हर ब्रश में आपको ऑपेसिटी भी मिलेगा, फ्लो भी मिलेगा। अच्छा, ये फ्लो पहले नहीं था, 7.0 में नहीं था, ये कुछ बाद में वर्जन में आया। फ्लो में इसमें क्या किया कि इन्होंने थोड़ा सा और इसको डीप कर दिया, कलर हमारा ब्लू है, और ऑपेसिटी को मैंने रख दिया इसको 100% पर, और फ्लो भी रखा हुआ 100%, तो फुल कलर दे रहा है। अगर फ्लो को मैं कम कर रहा हूँ सपोज 50% पे, और फ्लो को मैं कम कर रहा हूँ 25% पे, 13% पे, तो आप तो कहेंगे सर ये तो ऑपेसिटी वाला काम हो रहा है। भाई ऑपेसिटी में कम कर रहा था तो क्या हो रहा था, हल्का होता जा रहा था कलर, अब फ्लो भी कम कर रहा हूँ तो कलर हल्का हो रहा है, तो फिर फर्क क्या हुआ। फर्क ये हुआ कि ऑपेसिटी में आपको अगर कलर की डेंसिटी बढ़ानी थी तो क्लिक छोड़ना पड़ रहा था, फ्लो में ऐसा नहीं है। जैसे हम कलर पेंसिल से कलर भरते हैं, भरते 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 उसको दो तीन दफा ओवर राइट करते तो डार्क होता है ना, फ्लो ऐसे काम करेगा। ये देखिए, वन क्लिक, वन एक हाथ, दूसरा हाथ, तीसरा हाथ, चौथा हाथ, इस तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता डार्क होता जाएगा। इसमें मुझे क्लिक छोड़ने की जरूरत नहीं है, देखिए आहिस्ता आहिस्ता डार्क होता चला जाएगा। इसी तरह ये इरेज पे काम करेगा, इसी तरह ये फिल करने पे काम करेगा, ठीक है। तो ये था कुछ ब्रशेस के बारे में बताना कि जब आप ब्रशेस को यूज करेंगे तो ये आपको चीजें यहाँ से मिल जाएंगी और यहाँ से आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ सेटिंग्स में चले जाएं, यहाँ पे आपको ब्रशेस बाय नेम भी देख सकते हैं, बाय स्ट्रोक भी देख सकते हैं, बाय टिप भी देख सकते हैं, तीनों के साथ भी देख सकते हैं, और यहाँ पे गेट मोर ब्रशेस पे क्लिक करके आप मजीद ब्रशेस भी इसके अंदर ऐड करा सकते हैं। ये इसकी वेबसाइट है, इंटरनेट कनेक्ट होगा तो ये अपनी वेबसाइट से कनेक्ट होके आपको मजीद ब्रशेस दे देगा। उसका फायदा क्या होगा, ब्रशेस क्या होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर जब आपको मिलेगा तो वो उसी हिसाब से पेंट करेगा, तो वो वही पैटर्न आपको दे जाएगा, और आप अपने खुद के ब्रशेस भी बना सकते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम डिफाइन पैटर्न में सीखा था। तो थोड़ा टाइम लग रहा है खुलने में। तो यहाँ पे जर्नल ब्रशेस में चले जाएं तो ये देखें सॉफ्ट ब्रशेस हैं, शार्प कॉर्नर ब्रशेस हैं, ठीक है, सॉफ्ट और सॉफ्ट और ये बनाए बनाए, फिर ड्राई मीडिया ब्रशेस हैं, ये इस तरह के ब्रशेस हैं बने बनाए इस पैटर्न के, जैसे इस ब्रश को लेंगे तो ये इसी तरह का आपको देगा मामला। और उसके नीचे आ जाएं तो फिर आपके पास वेट मीडिया ब्रशेस हैं, ये देखिए इसमें, ये देखें इस तरह का ब्रश है, ये इस तरह का है, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट ब्रशेस में, यहाँ पे नीचे जाके स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस हैं जो इस तरह के इफेक्ट्स वगैरह दे रहे होते हैं, देख रहे हैं? तो इस तरह ढेरों ढेर ब्रशेस आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसकी वेबसाइट से। आई थिंक वेबसाइट इसकी तो प्रॉपरली आया नहीं, और कुछ इसके प्लगइन्स भी मिलते हैं जहां से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास, ठीक है। अब यहां पर हम चलेंगे ब्रशेस के बाद, इसको स्टॉप कर देते हैं।